अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली और मेरे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अब्बास। और खुश आमदीद हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह हम मौजूद हैं एक और नई वीडियो के साथ। और उससे पहले हाँ जनाब, क्या कहते हैं, बहुत अरसे बाद हम दोबारा आपके पास दरमियान शामिल हैं, और वक्तन फवक्तन हम आपसे प्रॉमिस भी करते हैं, वादा भी करते हैं कि आपके हम गैप नहीं करेंगे, मगर उससे ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है। बहरहाल ये एक वीडियो का गैप है, मगर जो हमारे दिलों का जो गैप है वो हमेशा आपके करीबी है, वो उसमें हम गैप नहीं आने देते, और आप भी हमारे साथ मोहब्बत में रहते हैं। और मैं आप शुक्रिया अदा करूँगा सोनू मिर्ज़ा का, जो अक्सर हमें पूछते रहते हैं कि क्या हुआ शाकिर भाई, मोहम्मद भाई को बोलना कि क्या आ नहीं रहा है, तो बहुत लंबा गैप हो गया है और बड़े मिस कर रहे हैं सब लोग। और बिल्कुल ये हमारी गलतियाँ हैं, कभी मोहम्मद मसरूफ़, कभी मैं मसरूफ़, कभी रिजवान मसरूफ़, बीच में रमज़ान भी थे, रमज़ान को भी, रमज़ान की और ईद की सबको मुबारकबादें भाई। और चलते हैं फिर बात करते हैं आगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलिएगा। बता दो, हम देखने वाले हैं ट्रेलर है मूवी का जिसका नाम है जुग जुग जियो, तो सीधा चलते हैं ट्रेलर देखने, बाकी बातें करते हैं बाद में। तुम दोनों बिना शर्माए एक साथ बताओगे कि तुम्हें एक दूसरे से क्या चाहिए। 1 2 डिवोर्स। गिन्नी की शादी के लिए घर जा ही रहे हैं, उसकी शादी हो जाने तक इस डिवोर्स के डिसीजन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। कौन से पापा अपने बच्चे के डिवोर्स के बारे में सुनने के लिए जोन में होते हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना, कब ये बीवी शादी के बाद इतनी बोरिंग क्यों हो जाती है? पापा आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है। अरे ये बीविया मुंह से निवाला छीन ले, तू बात की बात कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल पता है कौन सा है? कौन सा होता है? घर वाली। क्यों? क्योंकि उसे बार बार मनाना पड़ता है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तेरी मम्मी को डिवोर्स कर रहा हूँ। मेरा और मैं एक दूसरे से, तू समझ रहा है ना? हम दोनों पापा की गोद में बैठ के बड़े हुए, अब वो टीचर आके पापा जी की गोदी में बैठ गई है, अब पापा जी बड़े हो रहे हैं। जितने भी नचते हैं सारे कोई नहीं हो तेरे जैसा लगदा। मुझे समझ आ गई पापा जी की प्रॉब्लम क्या है, मतलब पापा जी ठरकी हो गए, ठरकी कुकु ठरकी। तेरे नैना के बीच में सब ठीक है ना बेटा? अगर तुझे कुछ टिप्स चाहिए ना तो अपने पापा से ले लेना, पुराने खिलाड़ी हैं, अच्छी सलाह देंगे। तेरी माँ मीरा से मिलना चाहती है। मीरा कौन है? पापा जी की गर्लफ्रेंड। वो तेरी मानू तेरी। रिश्ता टूटे की कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सी अधूरी लड़ाइयों की थकान होती है बस। डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं? नहीं तो कौन? ये दोनों और कौन? तुम दोनों कान खोल के सुनो, तुम दोनों इस घर में ना कभी तलाक हुआ है और ना कभी तलाक होगा। जी जनाब, जुग जुग जियो एक अच्छा टॉपिक और एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म, और जिसमें एक मैसेज भी है और एंटरटेनमेंट भी, और मस्ती मजाक हराए पने, ये के बाप क्या कहते हैं वो भी एक इस एज में आके जो बच्चे जवान हो गए हैं और वो इश्क की बातें कर रहे हैं, और वो जुमला बड़ा अच्छा उन्होंने खातून ने कहा था कि मैं अभी मुझे याद भूल गया, बट मैंने कहा नोट करता था। हाँ कि वाकई में कि उसमें बहुत सारी चीज़ों की थकान होती है, ये बड़ा हार्ट टचिंग जो है ना एक जुमला था। वाकई में हमारी जो बात लड़ाइयाँ जो हमारी दूरियाँ जो हो जाती है, समटाइम ज़रूरी नहीं कि उस पर तलाक वाला ही मामला हो, दो दोस्त होते हैं या दो बहन भाई होते हैं या इस टाइप के जो रिश्ते होते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें जो आहिस्ता 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 एक बहुत बड़ा एक गुबार सा बन जाता है, एकदम फटता है ना, तो उसका इस टाइप का एक वो जिक्र कर रही थी। बहरहाल क्या कहते हैं, तलाक बहुत बड़ा एक बदनुमा धब्बा है, दाग है, और अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, खासतौर पे बच्चे। तो फिल्म बड़ी अच्छी है, हम फिल्म पे रहते हैं, हम ज़रा सैलून पे नहीं जाना चाहते, बहुत टाइम मतलब मुलाकात हो रही है आप लोगों से,
और मैंने चाह रहा कि बहुत सारी बातें करें आपके साथ, बहुत सारा ट्रेंड चेंज करें, हम अपना फजूल की बातें, मतलब फजूल की बातें तो हम करते हैं बहुत, उससे मज़ा आता है आप लोगों को, सीरियस बातें नहीं करेंगे हम लोग ना। हाँ जी मोहम्मद, ये तो देखने में ओवरऑल ट्रेलर तो बड़ा अच्छा लगा। आजकल ये दोनों मुल्कों में बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी यूज हो रहा है, बिकॉज ये जो गाना जो है वो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर उनका वो यूज हुआ हुआ, तो ट्रेलर मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में पता था कि ऐसा कुछ मूवी आ रही है और इसमें गाना खास तौर पर यूज हुआ है। बहरहाल नच पंजाबा, नच पंजाबा हमारे बहुत बड़े सिंगर, बहुत जबरदस्त सिंगर अब्राउल हक, हम उनको सैल्यूट करते हैं। तो प्यार प्यार गाने दिए उन्होंने, करण जौहर ऐसे इसके वो हैं है ना, तो उन्होंने फिर धमकी लगाई थी, फिर उन्होंने उसको फिल्म पे शामिल कर दिया कि जनाब अभी मैंने सुना था कि क्रेडिट दे दिया कि भाई क्या कहते हैं आप उनका नाम शामिल किया जाएगा। अब्रार भाई थोड़े पैसे ऐसे समझ रहे थे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने नाम डाल दिया कितने गाने छापे पूरे, लेकिन इस तरह नहीं समझ में आता कि पूरा पूरा ही उठा के कॉपी पेस्ट कर दे पूरा ही, मतलब उठा के छापे और क्रेडिट आप अपने नाम लिख दो चार, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए ना। कम से कम जिसकी चीज याद है उसको आप उसको उसका नाम तो लें, बताया तो सही, कर लो थोड़ा चेंज तो कर लो, पूरा डिट्टो तो ना छापो भाई। पाकिस्तान कितने गाने बेतहाशा गाने जो क्या कहते हैं इंडिया ने कॉपी किए हैं। देखने में ओवरऑल जो है ना ट्रेलर थोड़ा फैमिली लगा कि भाई जो बेटा अपने बाप से बात करना चाह रहा है, बाप पहले ही बैठा हुआ है भाई। अच्छा देखा ये भी ड्रामा किया उन्होंने कि मैं तलाक कर रहा हूँ, वो मुझे माँ बोलती है कि खबरदार घर में तलाक की बात हुई, तो वो उसको समझा भी रही है, ये भी पॉसिबल है, ये 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 होगा, यही होगा वो ड्रामा खेला उन्होंने कि ये तलाक दे रखा था, छोड़ो फिल्म नहीं देखना बता दे नहीं, ऐसा अमूमन होता है ना, कितना डांटो बेटी को सुनाओ बहू को, तो वाला वो बेटे को सुना रही है वो अपने शोर को रही है ना, ये भी पॉसिबल, ये वाली बात है। तो 24 जून भी आ रही है, यकीनन आप लोग जरूर जाके देखिएगा और हमें भी देखेगा, मुझे मौका मिला तो मैं जरूर देख लूंगा। 12 लाख के इतने शेड्यूल तक और नई वीडियो के साथ जब तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।